फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम कार्ले गुफा, भाजा गुफा, जुन्नार गुफा और साथ ही कुछ मौर्यकालीन गुफाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कार्ले गुफा, कार्ले गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? तो कार्ले गुफा महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में लोनावाला के कार्ले में स्थित है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है और साथ ही ये महाराष्ट्र में कहाँ है? लोनावाला के कार्ले में। ये गुफाएं चट्टान काटकर बनाई गई हैं और ये गुफाएं प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर एक भव्य चैत्य गृह तथा तीन विहार गुफाएं हैं। चैत्य गृह जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे सुरक्षित दशा में है। मुख्य द्वार से पीछे के द्वार तक चैत्य गृह 124 फुट 3 इंच लंबा, 45 फुट 5 इंच चौड़ा तथा 46 फुट ऊंचा है। तो कार्ले में जो चैत्य गृह है वो सबसे बड़ा है और यह ही अभी तक सबसे सुरक्षित दशा में है। और इसकी जो माप है वो पीछे के द्वार तक 124 फुट 3 इंच लंबाई है इसकी, 45 फुट 5 इंच चौड़ा तथा 46 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके सामने का भाग जो है वो दो मंजिला है। ऊपरी मंजिल में प्रकाश के लिए एक बड़ा वातायन तथा निचले मंजिले में तीन द्वार बने हुए हैं। कार्ले की गुफाओं में जो स्तंभ हैं, स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख भी उत्कीर्ण है। पहले अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्ले का चैत्य का निर्माण जो है वो पुष्पदत्त ने करवाया और इसको पूर्णता यानी कि पूरा करने का जो कार्य है वो शातवाहन वंश ने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे भाजा की गुफाएं। भाजा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में लोनावाला के निकट ही स्थित हैं। इस गुफा का निर्माण भी सातवाहन काल में हुआ। भाजा की गुफाएं जो हैं यहाँ पर 22 गुफाओं का समूह है। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पत्थरों को काटकर निर्मित की गई थी। ये गुफाएं बौद्धकालीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं और भाजा की गुफाओं में जो अंदर स्थापित ठोस स्तूप है ये बिल्कुल सादा है, प्लेन है। भाजा में कुल 22 गुफाएँ हैं, इनमें जो चैत्य गृह हैं और विहार हैं और ठोस स्तूप सम्मिलित हैं। भाजा का जो चैत्य गृह है ये आरंभिक काल का है जिसका निर्माण 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है जुन्नार की गुफा। जुन्नार की जो गुफा है ये महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है और इसमें कुल 150 गुफाएं हैं, जिसमें से 10 गुफाएं चैत्य हैं और 140 विहार गुफाएं हैं। तो ये थी भाजा, कार्ले और जुन्नार गुफा से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम देखेंगे मौर्यकालीन की गुफाएं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार गुफाओं का जो निर्माण था वो मौर्य काल में अशोक ने प्रारंभ करवाया था। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में पहली बार गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में किसने प्रारंभ करवाया था? अशोक ने प्रारंभ करवाया था। मौर्यकालीन गुफाओं की जो खोज है वो 1785 में हैरिंगटन ने किया था। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने गुफाओं का निर्माण किस लिए करवाया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए। आजीवक का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? आजीवक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीविका के भिक्षु बनना होता है, जीविका के लिए भिक्षु बनना, जिसकी स्थापना जो है मस्करी पुत्र गोशाल ने किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आजीवक शब्द की स्थापना मस्करी पुत्र गोशाल ने किया था। नेक्स्ट है अशोक ने बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों को खुदवाकर कुल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जो निम्नलिखित हैं, लोमश ऋषि गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चारों गुफाओं में अशोक ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा के
यानी कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक के लिए इन गुफाओं को दान में दिया जाता है। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में कुल 3 गुफाओं का निर्माण कराया, बिहार में करवाया, जो निम्नलिखित हैं, वपी गुफा, पदथिक गुफा, गोपी गुफा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपी गुफा कहाँ है, ये बिहार में है, पदथिक गुफा कहाँ है, ये भी बिहार में है, वपी गुफा ये भी बिहार में है, और तीनों पहाड़ियों का जो निर्माण था ये अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में कराया था। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि अशोक के पौत्र कौन थे, तो दशरथ। तो ये थी मौर्य काल के गुफाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आर्ट के साथ साथ ये टॉपिक अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई गुफा के विषय में जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।